माय गॉड, ये कहीं असली तो नहीं है। अरे वाह। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह के 3D स्केच आप बेहद ही आसानी से कर पाएंगे। तो मैं भी किए आप लोगों का हर बार की तरह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल भी के आर्टिस्ट में। जो दोस्त मेरे चैनल पर सबसे पहली बार आए हों, वो पहले लाइक का बटन प्रेस कर लें और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लें और सब्सक्राइब में ऑल का बटन प्रेस करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपको मिल पाए और आप इस तरह के वीडियो को देखने से वंचित ना रह पाएँ। तो चलिए, पहले सबसे पहले स्केल की सहायता से हम आपको बताने जा रहा हूँ। स्केल की सहायता से इसलिए खींचते हैं क्योंकि हम लाइन वगैरह कोई टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए। तो इसको पहले हल्के से डार्क कर लें, हल्के हल्के डार्क करेंगे क्योंकि पेक का साइड जो होता है वो आप बेहद ही क्लियरिटी दिखानी पड़ती है। क्यों, जितनी क्लियरिटी आप स्केच बनाने में दिखाएंगे उतना ही अच्छा आपका स्केच बनके तैयार होगा। तो पहले आप इसको डार्क कर लें हल्के हल्के साइड से, क्योंकि ये जो बॉटल जो होता है, यो कोई भी पेप्सी कोला हो गया या फिर कोको कोला हो गया, इसका वेफर जो होता है उसको हम साइड से लगा दें क्योंकि ये इसका आकर्षक का सेंटर होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें और इस तरह के स्केचेस भी आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, मतलब जिस माध्यम से आप चाहें उसे शेयर कर सकते हैं। स्केच करने का शौक़ तो सभी को रहता है दोस्तों, लेकिन कुछ लोग ही इस पर सही से कर पाते हैं। तो इस तरह के स्केच आप घर में बैठे आराम से बना सकते हैं। मेरा ये आशा है कि आप इस वीडियो से बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे, ये उम्मीद करता हूँ। इस तरह के स्केचेस और भी देखना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सारे लिंक दे रखा हूँ मैं, तो उसमें आप जाकर के इस तरह के और इससे भी अलग अलग डिफरेंट टाइप के स्केचेस आप बेहद आसानी से बना पाएंगे। वीडियो को फुल टाइम इन्जॉय कीजिए, देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी आपको।